आज फिर से प्राउडली आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये है क्रेटा 2024 का वेरिएंट ई, जिसे हमने एन लाइन नाइट एडिशन में अपग्रेड किया। तो द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, मिसिंग क्या था? DRLs, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। ये तो मैं बोलूंगा मस्ट है हर क्रेटा के लिए। पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है दोस्तों, क्योंकि ये ग्रिल का स्टैंड आउट एक अलग ही है। जितना मर्जी आप इसे पेंट कर लीजिए, लेकिन जो ये ब्लैक क्रोम है ना, इसकी आन बान शान अलग है। हमने फ्रंट बैक एंड साइड की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल की है नाइट एडिशन की, जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की आती है। और यस दोस्तों, जो स्किड प्लेट एक्सटेंडर आते हैं लेफ्ट राइट एंड विद द रेड लाइनिंग के साथ, ये भी हुंडई जेन्यून का ही इंस्टॉल किया है। हमारे पास डिफ्यूजर्स भी हैं, हम लगा सकते हैं दोस्तों। मैं पहले के वीडियोस में भी बोलता था, अगर सक्सेस है तो स्किड प्लेट, आज भी वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्किड प्लेट है, जेन्यून जेन्यून ही है। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में, सबसे पहले तो हमने ये कार के अंदर हुड स्कूप इंस्टॉल किए हैं, जो डिफेंडर स्टाइल के आते हैं। व्हाइट कलर की कार में ये स्कूप बहुत ही अल्टीमेट दिखते हैं, और ये भी हुंडई जेन्यून का प्रोडक्ट आता है दोस्तों। हर वक्त जितनी भी चीज़ें बताएंगे, जितना हो सकेगा जेन्यून के साथ ही डील करेंगे। ये कार के अंदर हमने 18 इंचेस के एन लाइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं, और एन लाइन के अलॉय व्हील परफॉर्मेंस अलॉय व्हील आते हैं। हमारे पास 17 इंच भी है, हमारे क्रेटॉन सीरीज का भी है, लेकिन एन लाइन का लुक एक अलग ही आता है। इसका एक रोड प्रेजेंस अलग है। अगर एक डायनामिक रोड प्रेजेंस चाहिए ना दोस्तों, तो ये अलॉय व्हील आपको इंस्टॉल करने ही चाहिए। ये कार में जो सिल्वर कलर के जो पैनल्स आते हैं, उसे रिप्लेस करके हमने नाइट एडिशन के ब्लैक पैनल्स इंस्टॉल किए। और यस दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं, जो अपर लेवल है उसमें भी हमने PPF इंस्टॉल की हुई है। साइड के जो नाइट एडिशन के पैनल एंड प्लस उसके ऊपर जो PPF साइड प्रोफाइल विद द एन लाइन के अलॉय व्हील, और यस दोस्तों, साइड की स्किड प्लेट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। और सोने पे सुहागा, एडवेंचर के वेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं। एडवेंचर के वेंट्स की एक खास बात आती है, ये भी जो पैरामेट्रिक ग्रिल हम इंस्टॉल करते हैं, डार्क क्रोम की सेम टू सेम आती है दोस्तों। एक लुक, एक स्टैंड आउट अलग ही आता है। और एक 5 सेकेंड एडमायर करके देखिए दोस्तों कि ये कार ई वेरिएंट है, और हम इसे किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। हाउ ब्यूटिफुली मैं बोल सकता हूँ, ये कार को अपग्रेड किया है। आउटर हैंडल्स भी हमने रिप्लेस किए हैं ये कार में। अगर आपको फील चाहिए टच का, तो ये चीज़ आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। एन लाइन के डोर गार्ड्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स भी हमने इंस्टॉल की है। रियर का धमाका भी आपको बताएंगे। जो कनेक्टिंग टेल लाइट्स आती है सेट ऑफ 3 पीसेस की, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। लेकिन दोस्तों, एन लाइन गेस द मॉडल क्रेटॉन इनकम्प्लीट है बिना स्पोर्ट स्पॉइलर के। ये प्योर मेड इन इंडोनेशिया का ABS स्पॉइलर आते हैं, जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। रियर की स्किड प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की है, और जो स्किड प्लेट के एक्सटेंडर आते हैं, जो क्रोम वाले दोस्तों, लेफ्ट राइट और सेंटर में रेड लाइनिंग, ये भी हुंडई जेन्यून का ही हमने इंस्टॉल किया है। नाइट एडिशन का लोगो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, लेकिन ये लाइट अल्टीमेट है दोस्तों। रियर वाइपर भी है हमारे पास, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आएंगे इंटीरियर में, तो चारों भी ट्रिम्स हैं, हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की ट्रिम्स की है विद द सेटिन टच के साथ। इसके अंदर रेगुलर मैट फिनिश की ट्रिम्स ही लग के आई थी, इसे रिप्लेस करके हाई ग्लॉस ब्लैक विद द सेटिन टच के साथ। इनर हैंडल्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। जो सीट कवर का जो पैटर्न भी है, वो भी हमने एन लाइन स्टाइल का ही चूज किया हुआ है ये कार के अंदर, ब्लैक विद द रेड के साथ जो आते हैं दोस्तों। लेकिन खास करके मैं रियर की ट्रिम्स की आपके साथ बात करना चाहूँगा। एक लग्जूरियस क्या है, ये फैक्टर एड ऑन करता है। फ्रंट की भी आप देख सकते हैं, जो ट्रिम्स हाई ग्लॉस ब्लैक विद द सेटिन टच के साथ, विद द इनर हैंडल्स के साथ ट्रिम्स हमने रिप्लेस की है। ये कोई कटिंग नहीं है, और आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ट्रिम रिप्लेस ही कराइए। सीट कवर की हमारी फिटमेंट, फिनिशिंग, बकेटिंग, द एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर एन लाइन स्टाइल के ही हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया। सेम कॉन्सेप्ट की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। कफ प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जो स्टेयरिंग ऑडियो और क्रूज कंट्रोल है, जो टॉप वेरिएंट का हाई ग्लॉस वाला आता है, वो ही इंस्टॉल किया हुआ है। और यस दोस्तों,
और यस दोस्तों, जो एसी के जो वेंट्स हैं वो हाई ग्लॉस वाले ही हमने होंडाई जेन्यून के इंस्टॉल किए हैं। ये कार में 12.33 इंचेस का प्लेयर विथ 360 का GT10 का हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और यस दोस्तों, हमारे पास ब्लॉपंग भी है, GT10 भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है 12.33 इंचेस का हमने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन वंस अगेन, हमारी सीट कवर की फिटमेंट, फिनिशिंग, बकेटिंग सेम कॉन्सेप्ट की मैट्स है। यस, सेंटर स्पीकर्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं, बेस प्रो हब हमने इंस्टॉल किया, सोनी ES सीरीज का हमने सेटअप ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। ये प्राउडली ये बेस वेरिएंट है और हमने इसे N लाइन नाइट एडिशन में अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, स्कूप जरूर लगाइए, वेंट्स आप देख सकते हैं, एलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, और प्राउडली यह हमारी महाराष्ट्र की कार है, ये यवतमाल से आई हुई है। सर का कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारे पास नीलेश भाऊ है, यवतमाल काफ़ी दूर है दोस्तों, ये नागपुर के नज़दीक आता है, बराबर ना साहब? कशी वाटली? जय महाराष्ट्र। खूप छान गाडी बनवली आणि खूप मला असं म्हणजे माझ्या मनाला जी जशी गाडी पाहिजे होती तशी गाडी मला मिळाली आहे। मला वाटलं नव्हतं की अशी बनेल बा, अगोदर तर वाटलं होतं की नाही गाडी तर असं खूप काही खोलणं यांचं, अगर मला असं वाटलं नाही की असं भेटणार, बनल्यानंतर मला खूप छान वाटलं। मला असं वाटलं की म्हणजे अजून माझे मित्रांचे एक दोन गाड्या आहे, त्यांना पण मी नक्की बोलवणार आहे आणि इथे करायसाठी नक्की सांगणार आहे। खूप छान, खूप आनंद झाला मला। और ये व्हिडिओ, ये कॉन्सेप्ट, ये क्रेटा ई अपग्रेडेड टू N लाइन नाइट एडिशन इज अल्टीमेट। जेन्युइन स्किड प्लेट जेन्युइन ही रहती है, जेन्युइन एक्सटेंडर जेन्युइन ही रहता है, पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल जेन्युइन, मतलब अलग ही होती है दोस्तों। ये लॉन्ग लाइफ चाहिए तो जितना मैंने बताया है आप लगा लीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये क्रेटा N लाइन नाइट एडिशन आपको किस तरीके से लगी है कॉमेंट जरूर करना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। एक शॉर्ट वीडियो कस्टमर एक्सपीरियंस। ये कार गुजरात से आई है, अल्टीमेट काम तो किया है इसमें N लाइन में, ये तो ग्रीन जो एमरल कलर निकाला है ना, अल्टीमेट है। लेकिन एक कस्टमर एक्सपीरियंस, इतनी दूर से हमारे पास आ रहे हैं, वर्थ है क्या नहीं है? दीप जी प्लीज। आई एम वेरी थैंकफुल टू तनवीर भाई रिगार्डिंग, इन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया रिगार्डिंग आप क्रेटा N लाइन, क्यों N लाइन चाहिए, क्यों सोनी ये सीरीज कंपोनेंट चाहिए। वो डेफिनेटली तनवीर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर तनवीर भाई ने मेरे को अच्छा गाइडेंस दिया और मैं यहाँ पे आया और काम जो है सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। कोई भी चीज़ हाइड नहीं है, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू दीप जी, थैंक यू सो मच। ये कार हमारी महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से आई है, यवतमाल का तो आप देख चुके, दूसरी यवतमाल शॉप पर खड़ी हुई है। साहब कशी वाटली? सगळ्यात पहिले तर तन्वीर भैया खूप खूप धन्यवाद, तुमचं एवढं चांगलं आम्हाला म्हणजे बेस्ट मॉडेल होतं आपलं, पण त्याच्यात तुम्ही डायरेक्ट जे टॉप मॉडेलचं फील आहे ते त्याच्यामध्ये अपडेट करून दिलेलं आहे। आणि आमची पहिली गाडी नाही, याच्या आधी पण तुमच्याकडे आम्ही एक क्रेटा घेऊन आलो होतो, तर त्यावेळेस काम आवडलं त्यामुळेच आम्ही नेक्स्ट टाईम ही गाडी घेऊन आलो आहे। आणि ह्यावेळेस पण मागच्या वेळेसपेक्षा पण आणखी जास्त चांगल्या प्रकारे काम झालेलं आहे। आणि मी हेच सांगेल सगळ्यांना की ज्याला पण गाडी कोणती असो, क्रेटा असो किंवा दुसरी कुठलीही गाडी असो, ज्यांना पण बेस्ट टू हायर मॉडेलमध्ये मॉडिफाय करायची गाडी, कुठलीही गाडी असो, तर त्यांनी नक्कीच तन्वीर भाईकडे या। एकदम ट्रान्सपरंट काम आहे आणि एकदम बेस्ट रेटमध्ये सगळ्यांना ते करून देता। आणि परत एकदा थँक्यू तन्वीर भाई। थँक्यू, थँक्यू। हांजी राधे राधे। राधे राधे सरजी। एकदम जबरदस्त काम झालेलं आहे गाडीचं, आम्ही दुसरी गाडी बनवलेली आहे आणि परत एक गाडी घेऊन येणार आहोत आपण छत्रपती संभाजीनगरमधनं। जर कुणाला याच्यामध्ये करायचं असेल काम तर अवश्य एकदा भेट द्या, वेन ॲटो मुंबई। थँक्यू सर, थँक्यू सो मच। ये जो कलर है दीप जी लो लेके आए हैं, मेरा अगला वीडियो ये वाले कलर का आएगा, अल्टीमेट N लाइन का। दोस्तों इसके साथ जो 18 इंचेस के जो एलॉय व्हील ग्रीन कलर में लगते हैं ना, ये न्यू कलर आया है, अभी आपको ब्लैक लग रहा रहेगा लेकिन ये चीज़ बहुत अलग है। मैं दिल से सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो क्रेटा के लिए प्यार सपोर्ट दिया हुआ है। थैंक यू ईच एंड एवरी कस्टमर, थैंक यू क्रेटा जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया है। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।